वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर द शॉर्ट वीडियोस विच डेफिनेटली हेल्प यू टू गिव अ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ब्रीफ टेक्स्ट ऑफ ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक्स, एंड पैरेलली वी आर कवरिंग के विच आर द टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर ओनली टू क्वेश्चंस, मीन टोटल थ्री क्वेश्चंस विल बी देयर इन विच यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली टू क्वेश्चंस, बट बेस्ट पार्ट इज इट कवर्स 20 मार्क्स। सो आउट ऑफ 70 इट्स 20 मार्क्स, इट्स अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम। सो इफ यू कवर अप द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन अ बेटर मैनर, इन अ स्मार्ट वे, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम्स विद ग्रेट फ्लाइंग कलर्स, राइट? So let's start with our second chapter. So it's not a much bigger chapter, a small chapter, a couple of things, very easy chapter. And if we talk about the important part, then let's discuss about the very first topic, which is micro and macro environment. So this chapter is all about the environmental sectors. So micro and macro environment is an important topic from डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, राइट? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है, जिसमें माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में कुछ डिटेल स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, डिफरेंस बताने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, जैसा कि नाम भी बता रहा है, माइक्रो इज स्मॉल, मैक्रो इज अ बिगर थिंग, राइट? सो मैक्रो की अगर हम बात माइक्रो की बात करते हैं, सो माइक्रो रिलेट्स टू अ वन पर्टिकुलर कंपनी, राइट? एंड मैक्रो रिलेट्स टू अ कंप्लीट इंडस्ट्री, राइट? सपोज अगर मैं जैसे आईटी कंपनीज की बात करता हूँ, सो आईटी कंपनीज में टीसीएस इज वन माइक्रो एस्पेक्ट, इंफोसिस इज वन माइक्रो एस्पेक्ट, बट अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें, सो कंप्लीट आईटी कंपनी और द आईटी सेक्टर इज अ मैक्रो। सिमिलरली अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सो एनवायरनमेंट ऑल्सो रेफर्स टू द सेम थिंग। सो माइक्रो एनवायरनमेंट इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स विच आर क्लोज टू द कंपनी दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू एंगेज एंड सर्व इट्स कस्टमर्स, राइट? मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो इट इम्पैक्ट्स द लार्ज सोशल फोर्सेस लाइक डेमोग्राफिक, इकोनॉमी, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा, राइट? सो दोनों में डिफरेंस इट्स प्रीटी मच क्लियर। वो एक छोटे सेक्टर, एक कंपनी, सप्लायर्स, कस्टमर्स को इम्पैक्ट करेगा, मैक्रो एनवायरनमेंट एक बिगर पिक्चर को इम्पैक्ट करेगा, राइट? माइक्रो एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी हो गया, सप्लायर्स हो गया, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हो गई, कंपिटिटर्स हो गए, आपका कस्टमर्स हो गया, पब्लिक्स हो गया, राइट? सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की, सो मैक्रो एनवायरनमेंट में कपल ऑफ मोर एनवायरनमेंट्स आएंगे, जैसा कि अब हम इसमें देखेंगे। लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज द डेमोग्राफिक एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन, द एज फैक्टर्स, फैमिलीज, the role of women, education, population, etc. Right? अगर हम कुछ important topics की बात करें demographic trends की, so जो major part है that comes as the increasing population. Every year India की population or you can say the worldwide population is increasing. So how it will impact the marketing strategies, how it will impact the marketing, that forms the part. A growing middle class. We know के जो lower section है and जो upper class है वो बहुत कम है, रेशियो इज वेरी लो, बट इफ यू टॉक अबाउट द मिडिल क्लास, सो मिडिल क्लास फॉर्म्स अ लार्ज कंपोजिशन। सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी बिल्ड के ओके हमें किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फोकस करना है, सो दैट वी कैन अर्न मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ट्रस्ट एंड वी कैन गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स, राइट? देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज और यू कैन से इन द रूरल इंडिया। So obviously the population जो है that is also increasing in the rural India. So it's not only के you are just capturing the urban markets, you need to cover the rural markets. The more and more you deep dive into the rural sector, the more and more you will gain trust and more your product will get popular, more and more your company will flourish, right? The next part comes as the generating marketing. आप मार्केटिंग को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कौन से सेपरेट प्रोडक्ट्स या हर जनरेशन के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द चेंजिंग फैमिली सिस्टम। अर्लियर देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, नाउ इट्स कम्स द न्यूक्लियर फैमिली। सो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड के हस्बैंड वाइफ बोथ आर द वर्किंग प्रोफेशनल, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स या रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट डेवलप द प्रोडक्ट्स और मार्केट योर प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द चेंजिंग रोल ऑफ द वीमेन. अर्लियर द वीमेन्स यूज टू स्टे एट द होम्स, नाउ दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दे आर जस्ट वर्किंग, दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द फैमिलीज एंड दे आर हैविंग एन नंबर ऑफ लाइबिलिटीज. सो हाउ यू कैन जस्ट हेल्प द वीमेन इन 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 अचीविंग देयर रोल्स, इन अचीविंग देयर टारगेट्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स. Then next part comes as the a better educated, more white collar, more professional population. So now we see that most of the people prefer a white collar jobs. Okay, किसी company में मिल जाए, we will sit in front of computer and do 9 to 6 jobs or something like that. So how you cater the needs of that particular class? Like if you are going home at 6, then you provide some features कि आप 6 to 9 के बीच में आप ये products आप मोबाइल से परचेज कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे बाय कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू मेक अ वन फोन कॉल एंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. देन नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, कल्चर्स आर इंक्रीजिंग, पीपल ट्रेंड्स जनरेशन एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज, सो द डाइवर्सिटी ऑल्सो गेट्स इंक्रीज. इट्स ऑल अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन. सो दीज आर द डेमोग्राफिक फैक्टर्स. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट और द इकोनॉमिक फैक्टर्स. So economic factors is all about the factors which basically impact the consumer's purchasing power, the buying power, or you can say their patterns, right? So it's all about ke aapki income badh rahi hai, so it's you are getting more purchasing power, so it's all about the economical impact. Then next part comes as the natural and the technological environment. So natural environment की अगर हम बात करते हैं, so natural environment is basically there are certain trends, like there's a shortage of raw material. अगर raw material की बात करें तो जैसे air pollution हो रहा है, water की supply नहीं है, electricity पे impact पड़ रहा है, so all these factors जो आपका forest है वो आपके कम हो रहे हैं, so it's important कि how we just make use of these resources in a proper manner so that going forward there is no scarcity of such resources. So this is the part of the natural environment. One another factor is the increase in the pollution, as you say ke jo air ka quality hai that is degrading day by day. So pollution aapka badh raha hai, to isse aapka jo chemicals ka disposal hai wo aapka badh raha hai, nuclear waste hai wo aapka badh raha hai. So all these forms as a part of the natural environment, you can say the issues of this. Then next is come as the increase the government intervention. So government is also intervening in this all such natural resource management. Government is also focusing that we just use all these resources wisely. Otherwise, it will be a big problem for the coming generations. So all these parts comes the part of forms the part of the natural environment. Then next part comes as the technology environment. So technology, as the name suggests, it's more about the use of the new technologies. So you can say the robotics, or you can say the artificial intelligence which come into the picture, use of the mobile phones, laptops, smartphones, tablets, or you can say the internet. So these are the factors which are influencing the technological environment, right? Next part comes as the political, social and cultural environment. So political and social environment ki agar hum baat kare, so it's all about the involvement of the various laws, various government agencies, influence of the certain organizations into the society, more about the CSRs. So it's all about the political factors. If you talk about the social factors, so social factors are basically how the companies are more and more responsible towards the society, doing the right things, thinking of the society, not only to earn the profits. So it's a part of social environment. And finally, the cultural environment is basically how the people have their mindset, how the people will think, how the people are showing the interest. Like you can say, it's continuing with their cultural values, or you can say shifting towards the different cultural values, people thought process, people view towards the organization, societies, towards their health factors, towards the nature, and it's thinking about the universe. So all these forms are part of the cultural environment. So this is a very short chapter, interesting chapter, nothing much, just to cover the key highlights. So if you just quickly cover this chapter, it won't take much time to just quickly read this chapter. If you talk about the important topics, so I think it's only the micro and the macro environment.
सो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट. बिसाइड्स दिस इफ यू जस्ट क्विकली कवर दिस चैप्टर देन इट वॉन्ट टेक मच टाइम. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और फेसिंग एनी इशू जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट टू मी एट ngsu.mba@gmail.com. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियोज. थैंक यू सो मच.